दोस्तों रोटियां तो आपने कई तरह से बनाई होगी, आज लेकिन मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बनी हुई मसाला रोटी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से बनाई जाती है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप इसे गैस पर भी इजीली बना सकते हैं, जो कि खाने में एकदम क्रिस्पी लगती है और बहुत ही सॉफ्ट होती है। मज़ेदार सी दोस्तों ये रेसिपी है, जो कि आप 10 से 15 मिनट में आप इसे बना सकते हैं और एक अलग तरह से इसका रोटी का टेस्ट आता है। आइए दोस्तों अब हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। यहाँ मैंने नॉर्मली अपना जो गेहूं का आटा लगाते हैं रोटी के लिए वैसा मैंने लगा लिया है और इसकी मैंने एक लोई तोड़ ली है, इसको हम बॉल की गोल शेप दे दिया मैंने और इसको बेलन की सहायता से हम थोड़ा करके बेलेंगे। इसे आपको थोड़ा सा ही बेलना है, ये देखिए इस तरीके से हम इसको बेलते रहेंगे। एक छोटे से शेप में हमें इसे बेलना है पहले। बहुत ही आसान सी रेसिपी है दोस्तों, रेसिपी को एंड तक जरूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। और नित्या मॉम्स किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे धीरे धीरे करके बेल लिया है। इस पे मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है, थोड़ी सी इसमें मैंने लाल मिर्ची डाल दी है, थोड़ा सा इसमें मैंने हरा धनिया हरी मिर्ची डाल दी है। दोस्तों ये मसाला रोटी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। बच्चों को भी आप ये रेसिपी पसंद आएगी, बच्चों को भी इस तरह से आप रोटियां बना सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक लगा के इसे हाथों की सहायता से इस तरीके से मिक्स करके पूरी रोटी के ऊपर हम फैला देंगे, हर कॉर्नर में अच्छी तरीके से हम इसको फैला देंगे। आप घी की जगह तेल का या बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों ये बन जाती है, इसको हम नॉर्मली चुटकी वाली रोटी भी कहते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसको रोल करेंगे, जैसे हम लच्छे पराठे के लिए करते हैं, ज़िगज़ैग शेप में हम इसको कर देंगे, ऊपर नीचे, और अच्छे से इसको हम फोल्ड कर देंगे ताकि इसका जो मसाला है वो बाहर ना निकले। थोड़ा सा हम परतन रखते जाएंगे। ये देखिए कॉर्नर से भी हम इसे अच्छी तरीके से पैक कर देंगे। इसको थोड़ा सा हम खींचेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से इसकी जो लेयर्स हैं वो अच्छे से बन जाए। मैंने इसको थोड़ा सा दोस्तों खींच लिया है। अब इस तरीके से हम इसकी लोई बनाएंगे, इसको घुमाते जाएंगे और ये हमारी, इसको आपको बिल्कुल मिक्स नहीं करना है, जैसी लोई बन गई है वैसे ही आपको इसको रखना है। अब हम थोड़ा सा इसमें परथन लगाएंगे और इसको इस तरीके से धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों इसको बेलते जाएंगे, बहुत ही हल्के हाथों दोस्तों ये बेलती जाएगी आराम से। खाने में दोस्तों ये बहुत टेस्टी लगती है, आप जरूर ट्राई करें। ये देखिए इस तरीके से हम इसको बेलते जाएंगे। बहुत ही झटपट, और इसको दोस्तों हम हल्का सा मोटा रखते हैं, बिल्कुल हल्का सा, एकदम पतला आपको नहीं बेलना है, हल्का सा हम इसको मोटा रखेंगे नॉर्मल रोटी से। ये देखिए इतना हमें इसको रखना है मोटा, इसको हम साइड में कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी रोटी भी अपनी तैयार कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा परतन लगा के इसको भी इसी तरीके से बना लेंगे। दोस्तों बहुत ही इजी है, एक बार आप जरूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। आपका आप इसे इस तरीके से पराठा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज रोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप चाहें तो इसका पराठा भी बना सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी इसे रख सकते हैं और बड़ों को भी आप इसे लंच बॉक्स में रख सकते हैं। घी की जगह आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने वही लाल मिर्ची हरा धनिया हरी मिर्ची इसके ऊपर डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के लिए बिल्कुल ज़रा सा, और ऑलरेडी अगर आपने आटे में डाला हुआ है तो आप नहीं भी डालें तो भी चलेगा, आप चाहें तो थोड़ा सा चाट मसाला भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। और इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिए, पूरी रोटी पर आप इसे फैला दीजिए।
ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसे रोटी के ऊपर फैला दिया है। इसको भी हम ऐसी तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए अच्छे से हमने इसे फोल्ड कर लिया है। इसकी भी हम इसी तरीके से लोई बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसकी भी लोई बना लिए और इसको भी हम धीरे धीरे हल्के हाथों बेल लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है दोस्तों, जरूर ट्राई करें और अपना कमेंट मुझे जरूर दें। आपको अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए इसकी भी हमने रोटी बनाकर तैयार कर ली है। अब हमने एक साइड तवा भी गर्म होने रख दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पर यहाँ मैंने तवा भी गर्म होने रख दिया है और इस पर मैं एक रोटी को डाल दूंगी। थोड़ा सा हम इसे नीचे से सेकने देंगे और इसको हम पलट देंगे। आपको इसे ज़्यादा देर तक नहीं सेकना है, आप इसे बिल्कुल थोड़ा सा नीचे से सेट होने दें और इसको हम इसको पलट देंगे। ये देखिए हम इसको इसी तरीके से रहने देंगे। और इसको हम हल्के हाथों से पलट देंगे। आपको ये देखिए आप देख सकते हैं नीचे से हल्की हल्की सेक गई थी, इसलिए मैं उतना ही सेक के इसको पलटना है। अब हम इसमें चुटकियां बनाएंगे। ये देखिए चिमटे की सहायता से मैं इसमें चिमटियां बना दूंगी। अगर ट्रेडिशनल तरीके से बनाया है दोस्तों तो कई लोग जैसे पहले जो बनाते थे वो लोग इसे हाथ से बनाते थे, हाथ से इसमें ऐसे चुटकी देते थे, लेकिन मैं इसमें चिमटे की सहायता से चुटकी दे रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा डिस्टेंस के साथ हम इसमें इस तरीके से चुटकी देते जाएंगे। दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी लगती है और जब ये सिक जाती है तो बहुत ही सॉफ्ट होती है खाने में, इसमें लेयर्स रहती हैं और ये चुटकियों में जब हम बटर डालते हैं तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। ये देखिए जगह जगह मैंने चिमटे की सहायता से इसमें चुटकियाँ बना दी हैं और इसको हम इसी तरीके से थोड़ा सा सिकने देंगे तवे पर। जिस तरीके से हम नॉर्मल रोटी सेकते हैं उसी तरीके से अब इसको सेकते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा हम इसको पलट के ट्राई भी देखते रहेंगे कि ये ज़्यादा ना जल जाए नीचे से। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसको बीच बीच में थोड़ा सा देखते रहें। पहले जो लोग होते थे वो चूल्हे पर बनाते थे और हाथ से चुटकियाँ देते थे तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती थी, लेकिन आज ये रेसिपी दोस्तों मैं चिमटे की सहायता से चुटकियाँ दे रही हूँ और गैस पर आज मैं ये रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये देखिए इसको इस तरीके से हम पलट देंगे ताकि उस साइड से भी हल्की सी ये सिक जाए और इसमें बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। सेकने के बाद हम इसे गैस पर सेकेंगे। गैस पर दोस्तों आप ध्यान रखें आपको एकदम तेज फ्लेम पर नहीं सेकना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे सेकते रहें, क्योंकि आप एकदम तेज फ्लेम पर सेक देंगे तो जो हमने चुटकियाँ बनाई है उनमें हल्का सा कच्चापन रह जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसी तरीके से सेकते रहेंगे दोनों साइड से, खास करके जिस साइड से हमने चुटकियाँ बनाई है, क्योंकि उस साइड से थोड़े थोड़े जो है होल हैं। तो आप उस तरीके से का ध्यान रखें कि अच्छे से कहीं पे इसका कच्चापन ना रहे और इसको अच्छा सा हम इसको सेकेंगे। हर तरीके से दोस्तों हमें सेकना है। खाने में दोस्तों ये बहुत टेस्टी लगती है, आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। इवन दाल सब्जी के बिना भी आप इसको नॉर्मली घी में लगाकर भी अगर आप इसे खाएंगे तो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए हम इस तरीके से अगर सेक रहे हैं तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन इसमें जो आप देख सकते हैं जो चुटकियाँ हमने बनाई थी वो भी अच्छे से सिकने लगी हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ईजी रेसिपी है। आप एक अलग तरीके से गेस्ट आने पर भी इस तरीके से रोटी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी तरीके से और लगभग 10 मिनट में आपकी रोटियाँ बनकर ये तैयार हो जाएंगी। ये दो रोटी बनाने में दोस्तों मुझे लगभग 10 मिनट का टाइम लगा, क्योंकि इसको सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, हम लो फ्लेम पर इन्हें सेकते हैं इसीलिए बस यहाँ पे इसमें टाइम लगता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और एक डिफरेंट टाइप का इसमें स्वाद आता है। एक बार आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। पसंद आए तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।
इसी तरीके से हम अपनी पूरी रोटियां सेक लेंगे। इसमें भी हम इसी तरीके से चुटकियां लगा लेंगे। मैंने पहले से ही 3 से 4 रोटियां बेल के रख ली थी, अब मुझे ये सेकने में ईजी रहेगा। तो ये देखिए मैं इसी तरीके से, अब ये तवा भी हमारा गर्म हो गया है तो हम जल्दी जल्दी अब ये रोटियाँ सेक जाएंगे। लेकिन सेकते टाइम, चूल्हे पे सेकते टाइम या गैस पर ही बिना तवा के सेकते टाइम हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो हम चुटकियाँ देख रहे हैं वो अच्छी तरीके से सेक जाए, उनमें जरा भी कच्चापन ना रहे, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो बहुत ही आसानी से ये बन जाती है, ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, आपको बहुत पसंद आई। एक अलग रेसिपी है गेहूं के आटे से बनी हुई, कई लोग इसमें थोड़ा सा मैदा भी मिक्स कर लेते, लेकिन आज मैं आपके लिए प्योर गेहूं के आटे की रेसिपी लेकर आई हूं। आटा मैंने ऑलरेडी गूंदा हुआ है, ये देखिए इसको भी हम इसी तरीके से थोड़ा सा तवे पर सेकने देंगे और बहुत ही जल्दी ये बन जाती है दोस्तों, कोई इसमें टाइम नहीं लगता है। इसको भी हम थोड़ी देर पलट देंगे ताकि नीचे साइड से भी अच्छी तरीके से सिक जाए। और बहुत ही सॉफ्ट रोटी होती है दोस्तों, अगर आप इसको गर्मा गर्म खाएंगे तो आपको दाल सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसी तरीके से 1 से 2 रोटी तो आप बिल्कुल डेफिनेटली खा ही जाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और तब मुझे जाके कमेंट करें या लाइक करें। ये देखिए दोस्तों हमारी रोटियाँ सिक कर तैयार हो गई हैं। अब हम इस पर घी लगाएंगे जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं और बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। मेरे यहाँ पे तो ये रोटियाँ बहुत पसंद की जाती हैं, आप एक बार ज़रूर बनाएं, आपको भी बहुत पसंद आएगी। इस पर घी या बटर लगाएं तब ये बहुत अच्छी लगेगी। आप चाहें तो इसका पराठा भी सेक सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इसकी रोटी सेकना है। अगर आप चाहें तो ऐसा मसाला पराठा भी बना सकते हैं जो कि आप बच्चों के लंच बॉक्स में या नॉर्मली ब्रेकफास्ट के टाइम पर भी आप इसे यूज़ रख सकते हैं, जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, और अचार चटनी के साथ सब्जी के साथ आप इसे सर्व करें। ये देखिए दोस्तों हमारी रोटियां बनकर तैयार हो गई हैं। इस पर मैं अच्छे से घी लगा दूंगी, आप चाहें तो इसमें बटर लगा सकते हैं, मैंने इसमें अच्छे से घी लगा दिया है और जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों। ये देखिए हमारी चुटकी वाली रोटी बनकर तैयार हो गई है, एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी दोस्तों। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और नित्या मॉम्स किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लेकिन एक बार बनाइएगा ज़रूर दोस्तों, तभी आपको पता चलेगा कि ये कैसी लगती है। बनाएं और मुझे कमेंट जरूर करें, लाइक करें, रेसिपी को एंजॉय कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली रेसिपी में, इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए और बनाएं। थैंक यू दोस्तों।